परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है, वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि करतनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आज आप सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के हमें ज्ञान बताया है और उस ज्ञान के बिना सब जो हमने सुना था वो पूरा अज्ञान था। कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ हिलंदा। उस परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर हुई है। जब तक ये प्राणी परमेश्वर की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक तो ये अपना प्रारब्ध ही भोग रहा होता है, शुभ कर्म करने की चेष्टा भी करता है तो विधि ठीक ना होने से वो यूजलेस होती है और अपना शेष जो संस्कार है वही पूरे कर रहा होता है। जिसमें पूर्ण परमात्मा की शरण में ये प्राणी आ जाता है, मर्यादावत चलता है, सतनाम का सिमरन करता है, गुरुजी के से प्राप्त उपदेश का विधिवत श्रवण करता है, फिर उसका सब कार्य परमात्मा से ही होता है। तो आज हमने जैसे आप जी ने कोई पावर का कनेक्शन ले लिया बिजली का, तो उसी के हिसाब से आपने सारे चेंज कर लिए, चक्की भी बिजली वाली ले ली, पशुओं का जो चारा काटने वाली मशीन भी बिजली से चलेगी, हैंडपंप भी बिजली से और आटा पीसन की चक्की भी बिजली से, तो फिर आपका सारा कार्य पावर से ही हो रहा है। तो ऐसे ही जब आपको ये कनेक्शन मिल जाता है तो आपके सब क्रियाएं बदल जाती हैं। परमात्मा का कनेक्शन जब आपको प्राप्त हो जाता है, शरण मिल जाती है, तो आपके सभी कार्य उस परमात्मा की पावर से ही होते हैं। या कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ हिलंदा। उपदेश ग्रहण करके और फिर प्राणी भटकता है इधर उधर, मन को स्थिर नहीं करके कि तो और जाता है, किसी संतों के पास जाता है या अन्य किसी और उपासना स्थल पर जैसे पहले भटक्या करते वहाँ जाता है। उसके लिए कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति के सतगुरु ही दाता हैं, अन्य कोई नहीं है। ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ हिलंदा। अब जब हम सतगुरु शरण में आ जाते हैं तो हमारे सारे कार्य परमात्मा के आदेश से ही होते हैं और बाकी जो परमात्मा की शरण में नहीं है उनका प्रारब्ध भी वो अपना भोग रहे होते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उस मालिक के हुक्म बिना उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तरवर पात यानी वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। अर्थात कोई भी कार्य उस परमात्मा के विधान के विपरीत नहीं हो सकता। अपने विधान को स्वयं ही चेंज कर सकता है, दूसरे पर पावर नहीं है। परमात्मा बताते हैं मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही
सतगुरु सेवा और बंदगी फेर मिलन की नाही। सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हो। वो पुण्यात्मा जो पिछले भी जन्मों में मनुष्य शरीर धारण किए हुए थे और भक्ति कर रहे थे, उनको फिर तुरंत मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है और फिर उनके अंदर पिछली जो प्रेरणाएं होती हैं परमात्मा की वो विद्यमान रहती हैं। वो उसका अपना संस्कार है, वो कहाँ जन्मा है। जैसे पवित्र हिंदू धर्म में जन्म हुआ तो उसको वो पिछले संस्कार इतना दबाव देते हैं कि वो अपनी साधनाएं किए बिना रह ही नहीं सकता, तो वो साधनाएं शुरू कर देता है। किसी का मुसलमान धर्म जन्म होता है तो वो क्रियाएं शुरू कर देगा, और अन्य धर्मों में भी ऐसे ही जानो। लेकिन पुण्यात्माओं, जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तो साधना करना भी व्यर्थ होगा। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा का पाना, और यदि परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वैसे ही अपना जीवन नष्ट करना होता है। सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप की नहीं, इंद्री क्रम न मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। सतगुरु की संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष तक जप करते रहना गुरु से विमुख होकर के, और चाहे लाख वर्ष जप करते रहना, आपको कोई लाभ नहीं होगा। इंद्री कर्म न मोक्ष होवे और फिर काल के अधीन। पुण्यात्माओं, आत्मा जब से भगवान से बिछुड़ी है, कुछ दिनों के बाद ही इसको एहसास हो गया कि हमसे कुछ खो गया है, और आज तक भी वो ऐसा ही अधूरापन महसूस कर रही है। जिस प्राणी के पास पुत्र है, पुत्री है, संतान है, संपत्ति भी खूब है और अच्छी कारोबार है, लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है। आत्मा फिर भी कुछ ना कुछ तलाश में है, परमात्मा की तलाश में है। वो अलग बात है कि उसको तरीका कौन सा प्राप्त हुआ है, कौन से धर्म में वो जन्मा है, तो फिर भी वो उसकी खोज कर ही रही है। अब जैसे निर्धन तो खोज करता है, मान लीजिए परमात्मा की धनी होने के लिए, निसंतान ढूंढ रहा है भगवान को, न सोच लेंगे संतान के लिए। लेकिन जिसके पास सर्व संपन्नता है, संतान भी है, संपत्ति भी है, सर्व यहाँ काल का सारा सुख है, और फिर भी वो भगवान की तलाश में है, तो इसका मतलब ये सर्व जो कुछ भी हमें प्राप्त है, जिसको हम यहाँ चाह करते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कोई कार्य है जो आवश्यक है। अब हमने उस आवश्यक कार्य को करना होगा। हम पहले अपना जो अनावश्यक कार्य है केवल रोजगार के लिए, पेट के लिए, इसमें ज़्यादा समय डिवोट कर रहे थे। अब हमने ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, तो अब हम अत्यधिक समय अपने भगवान के पाने के लिए लगाएंगे। अब वही समय होगा, वही आपका कारोबार होगा, वही क्रिया होंगी आपकी, जो सांसारिक जो क्रियाएं हैं, जैसे पेट के लिए गुजारा सभी करते हैं, कोई सर्विस करता है, कोई दुकान किए हुए है, कोई किसान का काम करता है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई मजदूरी करता है, काम आपका यही रहेगा। लेकिन इसमें भगवान का समय अधिक लगाना पड़ेगा। हमने कैसे लगाना पड़ेगा, कई कहते हैं समय नहीं मिलता, समय आपके पास बहुत है, आपके पास बहुत समय है,
उस समय को हम समझ नहीं सके और उसका दुरुपयोग करते रहे। अब जैसे आप बस में बैठकर सफर कर रहे हो, मंत्र प्राप्त है आपको, बैठ के बस में और अपना सुमरण शुरू कर दे, इधर उधर झांकियां में देखे नहीं, साथी ते बात घनी करे नहीं और अपना मंत्र करता रहे, तो वो 2 घंटे आपका समय सदुपयोग हो गया। आप जी किसी मजदूरी के लिए घर से चले हो, मजदूरी के स्थल तक पहुंचे तो वहां तक अपना सिमरण करे कई कई बार, और वहां जाकर भी मजदूर को या किसान को मानसिक कार्य नहीं होता, उसमें भी वो अपना भक्ति सिमरण कर सकता है। हमने देखा ये आली किसान हल्के पीछे पीछे कोई रागनी गा रहा है, कोई और बकवास सोच रहा है मन में सारा दिन, तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं हम और भक्ति भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी सदग्रंथ को उठाकर आप देखिएगा या किसी भी महापुरुष का अनुभव आप पढ़िएगा, उन्होंने वही कार्य किया है जो संसार के आम व्यक्ति कार्य करते हैं, और उन्हीं में परमात्मा को पाया है, उसी काम में सिमरण भी किया है, हठ योग नहीं किया किसी ने। जैसे कहते हैं 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम अनिवार्य है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ये व्यर्थ की बातें हैं। पहली बात तो इनका ज्ञान गलत, ये ध्यान लगाओगे कहा, झूठा ज्ञान और ध्यान का लावे, ये वाद विदा चतुराई, वाद विवाद है इनका, चतुराई दिखा रहे हैं। और बात रही हठ योग की, किसी भी संत महापुरुष ने हठ योग नहीं किया, और किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं कि तू बैठ कर कति एक जगह बैठ कर भक्ति कर ले। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन यदि तू काम छोड़ कर हठ योग करने लग गया, अगर तू कर्म सन्यासी हो गया, कर्म सन्यासी का अर्थ है काम छोड़ कर और एक जगह बैठ जा, चाहे जंगल में बैठे चाहे कोई गुफा बना ले या घर पर बैठ के वो व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है, तो फिर तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? फिर क्या है, इस काल ने 5वें अध्याय के अंदर फिर अपनी टांग अड़ाई है गीता ज्ञानदाता ने, उसमें इसने बताया है कि ऐसा आसन हो ना घना ऊंचा हो ना नीचा हो, एकांत स्थान हो, नाक के आगे ध्यान लगावे और ऐसे भक्ति करे। ये इसका अपना मत है, ये योग वेद ज्ञान नहीं है, ये इसका अपना मत है। गीता जी के अंदर 2 तरह का ज्ञान है, एक तो वेद ज्ञान है और फिर दूसरा इसने अपना मत उसमें डाला है। तो अब यदि हम इस 5वें अध्याय वाले क्रियाओं को सही माने तो 3रे वाले गलत होगी, जिसमें नो कहा तू एक जगह बैठ कर कर्म सन्यासी हो गया तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, इसलिए तो युद्ध भी कर, सिमरण भी कर, काम भी कर, भक्ति भी कर, ये तो वेद ज्ञान है, ये सही ज्ञान है। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्बे समर कर्त्युम समर, ओम नाम का जाप, काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, श्रद्धा के साथ, और अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरण करो, तब भस्मांतम शरीरम अमृतम, आपका जब शरीर छूटेगा, आपका जब शरीर अंत होगा, उस समय आपको जो ओम नाम से अमृतव प्राप्त होना है वो उससे ही प्राप्त होगा, जितना आप उससे अमर हो सकते हो। जैसे ओम नाम के जाप का साधक ब्रह्मलोक में जाता है क्योंकि ये ब्रह्म की साधना है, और ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी फिर ये वापस आता है, तो जितना समय इसका उस ओम के भक्ति की कमाई से होगा उतना समय ये महास्वर्ग में ब्रह्मलोक में, वहाँ पर इसे नकली सतलोक अलखलोक अगमलोक नामी लोक बना रखे हैं, तो वहाँ ये प्राणी अपना इतने समय तक ये जन्म मृत्यु से बच जाता है।
लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु होती है। कहने का भाव ये है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञान दाता वेद ज्ञान बता रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और एक ओम अक्षर है, बस नथिंग एल्स। इसका उच्चारण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे वाली इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुतम गति में ही आश्रित हैं, क्योंकि ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है और ये ब्रह्म की साधना की परम गति है ब्रह्मलोक प्राप्ति। और वहाँ गए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञानदाता 4वें अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 2वें अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2वें श्लोक में गीता के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि ओम नाम का जाप करने वाले जो ब्रह्म पुजारी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु और इनके भगवान की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहती है। तो जब तक जन्म मृत्यु है जीव सुखी नहीं हो सकता। अब इसे हम उसी पर आते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में कहा है यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। अब युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं हो सकता और उसमें भी मालिक को याद करने का निर्देश है। यही तरीका उस परमपिता के पाने का 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता जी में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसका मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान के और फिर भक्ति करनी चाहिए। वैसे धूल में लठ लगाने से कोई फायदा नहीं। अंधाधुंध कितना कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, धुंध ढूंढा ठा रहे हैं, कोई तप कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, तो ये कहीं प्रमाण है इन साधनाओं से किसी को कोई प्राप्ति हुई? तो इस प्रकार उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने बताया है नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी नाम का सिमरण करना है चलते फिरते उठते बैठते भोजन खाते समय भी आप सिमरण कर सकते हैं। अब जैसे किसान के पास बहुत समय होता है, खेतों में जा रहे हैं, घूम रहा है, अपना भक्ति करता जावे, पशुओं के लिए चारा लाता है तो सिमरण करता जावे आवे, यानी सिमरण में समय अधिक लगाना होगा। अन्य जैसे शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, तो वो अपनी दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आया, उसको डील किया, उसके बाद फ्री होते ही फिर सिमरण शुरू कर दे। लेकिन मन की आदत है, काल ने ऐसा कुछ हमारे अंदर प्रेरणा कर रखी है कि भक्ति ना करके बाकी कुछ भी कर लो और कितने डले डोलो कति मन हार नहीं मानता। एक समय किसी व्यक्ति को किसी उसके गुरु ने बताया कि तू जाप करवा दे, इतने जाप करवा दे, किसी मंत्र दे दिया श्लोक सा, तो उसके लिए उसने कोई और ब्राह्मण तो मिले को नहीं, उस अपने गुरु से पूछा जी ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, मैं किसी और से करा सकता हूँ, कहाँ मैं किसी से करा दे, फिर इतने मंत्र करा दे तू। वो गया वहाँ पर लेबर चौक पर, लेबर चौक पर दो व्यक्तियों से कहा भी ऐसे ऐसे काम है, आप यहाँ क्या दिहाड़ी लेते हो एक दिन की डेली? उन्होंने बताया कि हम 15 रुपये लेते हैं। और क्या काम करते हो? कि सारा दिन तसले ढोते हैं,
मिट्टी डालते हैं सड़कों पर या किसी के घर पर, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें 30 रुपये दूंगा और बढ़िया भोजन दूंगा और बढ़िया कपड़े दूंगा, तुम मेरे यहाँ काम कर दोगे? क्या काम है बताइए? कि वहाँ एक मंत्र का जाप करना है। वो दोनों बोले ठीक है, हम कर देंगे। और भी दूसरे कहने लगे हम भी चल पड़ेंगे, हम भी चल पड़ेंगे। वो कहने लगे अभी दो की आवश्यकता थी, ये दो तैयार हो ही लिए। उन दोनों को ले आया, उनको कहा पहले तुम स्नान करो। स्नान किया और बढ़िया भोजन कराया, स्वच्छ कपड़े पहना दिए, जैसे धोती लपेटा करते पहले, वह धोती दे दी उनको बढ़िया, और कहा ये माला ले लो और ये मंत्र बोलते रहो, 8 घंटे ड्यूटी करो तुम अपनी, 8 घंटे यहाँ, और 30 रुपये दूंगा, वहाँ 15 लेते थे। अग जी ठीक है, बहुत अच्छी बात, निहाल हो गए। और जी कितने दिन कराओगे? अग भाई 3-4 दिन कराने पड़ेंगे। अग जी और किसे ना बुलाइयो? अग ना भाई ठीक समय न, और क्या जरूरत है, डेली इतने करने हैं, तुम कर ही दोगे? कहाँ जी कर देंगे। अब उसने बैठा दियो माला देगा हाथ में, उन्होंने आधा घंटा तो कराया, फिर 10-5 मिनट और कराया, फिर उन्होंने सोची रहा तरा कर भैया कद बजेंगे 8 घंटे हुए। तो दोनों ने बोले भाई ले पकड़ तेरी माला अरिया तेरी धोती, हाँ मारा बनाओ 8 घंटे तेरा कौन बैठा रहा पश्मा बंद के। वो छोड़ के सारा सामान और पैर का अपने वो कपड़े वो लेबर चौक पा खड़े हुए 15 रुपये में सारे दिन वो डले डो लिए। वहाँ सुख बैठ कर मंत्र ना कराया गया। इस मन की इतनी गंदी आदत है, एक पेट के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, पशु भी थक जाता हमने देखा, क्योंकि दास का किसान परिवार में जन्म था। सुबह से लेकर शाम तक हाल ही हल जोतता है, उसका कोई घंटों का हिसाब नहीं। सुबह 6 बजे चला जाता है, शाम ने 6 बजे छोड़ता बैलों को। और कई एक का ऐसी व्यवस्था होती है, फिर चारा काट के सिर पर रख कर लाता था, बैलों को तो छोड़ देता था, वो अपना चारा चरते थे और वो हाथ से उनकी चारा काटता था और फिर उनके लिए सारा चारा डालता था। फिर लेन देन जो घर का उसको करता है, पशु से भी ज़्यादा कार्य करता है एक पेट के लिए इंसान, और एक भगवान के लिए 10 मिनट नहीं निकालने देता यो मन, इतना दुश्मन है इस आत्मा का। तो पुण्यात्मा इसके जाल को समझना है अपने, और भक्ति भक्ति के हिसाब से होगी, जैसे भगवान ने बता रखी अपने मनमुखी नहीं करनी। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं बोली श्रद्धालु आत्मा है, वहाँ से लेकर वहाँ तक पैदल जाते हैं, कई बार तो पैदल आते हैं और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पट्टी बांध बांध कर और चलते ही रहते हैं, और उन नैनों कह दे तो ये एक मंत्र की माला फेर दे छोड़ कर चलो, इतना लंबा मंत्र 108 मंत्र क्यों करोगे? शुरू में स्ट्राइक करने लग जाता है ये मन, इतना वो है, ये उल्टे काम करने में राजी और अच्छे काम में इसकी बिल्कुल रुचि नहीं बनती। तो इस भक्ति से ज्ञान से परमात्मा के अंकुश से ये मन फिर आपको भक्ति करने देगा, ना भक्ति ना करने दे, और कुछ भी कर ले, तपस्या कर ले सारा सारा दिन, कोई कोई वर्षों तो खड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ मन का सहयोग होता है। और मन ये काल है, ये चाहता है कि परमात्मा की भक्ति ना करके यो प्राणी बाकी कुछ भी करता रहे, अपने पंजे नीचे है यो, पेट पलनियाँ चलते हैं उन इष्ट दामों पर जाते हैं, पेट के बल ऐसे आगे निशान लगा दिया, फिर वहाँ पहुँच गए उठकर फिर निशान लगा दिया। यानी इस तरह की क्रियाएं कितनी कर ले, नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन। और माला के 108 मंत्र ने होगा 6 ऑब्जेक्शन, एक माला पूरी नहीं करने दे, इतने पता नहीं कहाँ कहाँ सोचेगा, चल वहाँ चलते हैं, वो काम था फलाना था, फिर कर लेंगे, चल छोड़ इसको, फिर क्या था, फिर पता नहीं कहाँ कोई और समस्या आ जा। तो कहने का भाव ये है कि जो क्रिया है वो बिल्कुल आसान है, लेकिन हम उस दूसरी साधनाओं में घने रंगे, अब उस रंग को कति छोड़ना पड़ेगा, वो साधना आप जो पहले किसी तरीके से भी करते थे वो नहीं करनी है। अब जैसे आपको बताई जाती ऐसे ही करना, जैसे राधा स्वामी पंथ से आए हैं बहुत से भक्त, वो कहते हैं जी हमारा तो अभ्यास बन गया 2.5 घंटे सुबह बैठ कर 2.5 घंटे सामने
तो हम और जब तक ना बैठा हमारा मनसा ना बरता तो ये नहीं करना आपने, क्योंकि वैसे तो ठीक है बैठे हो समय मिल गया तो भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र करो बैठ के करो, लेकिन मेडिटेशन नहीं करना। ये जो ध्यान है ये हठ योग है, और ध्यान की विधि हम बताएंगे वैसे करना। अब जब आपको परमात्मा की चाह बनेगी, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली मेडिटेशन होगा। कैसे होगा? परमात्मा कहते चिंता तो सत्य नाम की और न चिंता दासी, जय कोई चिंता नाम बिना वाहे काल की फांस। जैसे कहते हैं ना, आप किसी को टेंशन हो जाती है और उस टेंशन में उसका मन की सुई रुक रुक के वहीं जाती है, थोड़ी सी देरी दूर जाती तुरंत फिर वहीं पहुंच जाती है। तो कहते हैं या टेंशन तुझे हुई है, ऐसी टेंशन भगवान के नाम की बना। अब जिसको कभी टेंशन हुई हो, जिसको कोई चिंता का विषय गहन बना हो, उसको खूब पता है कि वो किसी से बातें भी कर लेता है 2 मिनट 10 मिनट, उसके तुरंत बाद उसकी सुई उसी टेंशन पर पहुंच जाती है मन। तो इस प्रकार हमने वो ध्यान हमारा है इस परमात्मा के नाम से जोड़ कर रखना या टेंशन बनानी है, और दिस इज मेडिटेशन। यू बैठ कर कर लो चाहे लौट कर टेंशन कर लो, ये मेडिटेशन, और चाहे चलते फिरते कर लो। तो कहने का भाव यह है, बुद्धिमान समाज आसानी से समझ सकता है कि किस प्रकार ये भक्ति हो सकती है और कैसे हम इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को टेंशन हुई है, उसे पूछ कर देखो वो कितना समय उस टेंशन में लगाता है। संसारी कार्य में किसी से बात करने को दिल नहीं करता, उसी समय उस टेंशन पर ध्यान पहुंच जाता और टेंशन के कारण पर। तो ऐसे हमने ये हमारा सहज समाधि है या संतों की सहज समाधि। तो ऐसे हमने इस नाम के ऊपर मेडिटेशन करना है। ये सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं कुछ पंथ वाले, और कैसे कहते हैं हमारे गुरु ने 18 वर्ष तक एक बंद कमरे में बैठ कर कोठे में कोठा और वहाँ सुरत शब्द अभ्यास किया। इन्हों ना बेरा सुरत शब्द होता क्या है, और ये अभ्यास क्या किया उसने बता, डड़े डोए हठ योग क्रिया, हठ योग इज नॉट सुरत शब्द अभ्यास, हठ योग नहीं होता वो तो साधना। जैसे हम कोई मंत्र जाप करें, आपको नाम दिया है, वो नाम तो शब्द है, और उसके ऊपर ध्यान लगा के रखना, जोड़ के रखना, उससे 1 सेकंड भी दूर ना करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। यानी उसके नाम के ऊपर सुरती को जोड़े रखना। अगर परमात्मा कहते हैं कबीर जी, जिव्या तो मुख में फेरे और माला फेरे कर्मा ही, मनवा तो चौं दिस फेरे ये तो सिमरण ना ही। उधर से आप श्रमण कर रहे हो और मन सैर सपट्टे कर रहा है, ये श्रमण नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, किस मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, चाहे मन मन कर रहे हो, चाहे श्वास से कर रहे हो, श्वास से भी जो जाप कर रहे हो उसके ऊपर आपका ये सुरत रहे। तुम बोल कौन सा मंत्र कर रहे हो, कौन सा छोड़ रहे हो, कौन सा ले रहे हो, और इसको अभ्यास करना, इसकी प्रैक्टिस करना, नॉन एज सुरत शब्द प्रैक्टिस, सुरत शब्द अभ्यास। ये कान बंद करके आँख बंद करके ये सुरत शब्द नहीं, ये तो बिला धुन सुनेंगे, फिर तुम सुन ले चाहे ना सुन ले, तो बात जे रही अंदर जो कुछ हो तो हो ही रहा है। अब ये पिछले संस्कारों से आपके अंदर धुन आधी बज रही है, और वही परमात्मा की ट्राई कर रहे हैं पुण्यात्माएं जो पिछले संस्कार ही, बाकी तो बात भी ना करते, गुटी लाओ मौज करें अपना जैसा भी उनको धंधा करते रहते हैं। तो आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है वो, जो कुछ भी आपको ये अनजान गुरु सुनवाया करते थे, धुन सुन ले धुन सुन ले। अब जैसे आपके बैंक में अकाउंट में आपके खाते में आपकी कॉपी में और 1 लाख रुपया जमा हो गया, उस 1 लाख रुपये को आप चाहे डेली देख लो उस पुस्तक बैंक की कापी में, रोज देख लो चाहे सारा दिन देखते रहो, वो तो 1 लाख जमा ही हैं आपके। और आगे कोई आप व्यवसाय नहीं करोगे, नौकरी मजदूरी नहीं करोगे, तो वो 1 लाख में तो घटेंगे बढ़ें को नहीं। तो यू दिस इज मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आप सुनना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, जैसी सतयुग त्रेता द्वापर में
परमात्मा ने काल को इसलिए छूट दे दी थी कि उन दिनों में घने पुनकर्मी प्राणियों का जन्म होता है उस युगों में, और वो पिछले पुनकर्मी संस्कारी साधक होते हैं। प्रत्येक चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, चाहे कोई किसी वर्ण में जन्मा होता है, वो सभी भक्ति किया करते हैं वो उन युगों में, और उनका ध्यान लगता है, मेडिटेशन लग जाता है एक सेकंड में। और व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन है क्या उनका? जैसे हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं, यानी कमल चक्र बने हुए हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर चैनल होते हैं, और जो भी चैनल ऑन कर दिया जाता है तो उस चैनल में जो कार्यक्रम दिखाई देता वो कहीं और स्थान पर विद्यमान है, और वहाँ से रिले होकर के वो सिर्फ दिखा रहा है कि ये चैनल में वहाँ ये कार्य हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर चैनल हैं, मूल कमल, फिर उससे दो उंगल ऊपर स्वाद चक्र, फिर नाभि चक्र जिसको नाभि कमल भी कहते हैं, और फिर हृदय चक्र हृदय कमल, और फिर कंठ का चक्र कंठ कमल, और फिर त्रिकुटी का कमल, और फिर सहस्रार कमल। तो इस प्रकार हमारे शरीरों में चैनल बने हुए हैं, कमल हैं। और जो साधक होते हैं पुनकर्मी प्राणी, वही परमात्मा की खोज में कोई प्रयत्न करते हैं, तो पहले युगों में प्रत्येक व्यक्ति की समाधि हो लग जाती थी, मेडिटेशन हो जाता था जो ट्राई करना चाहता था। तो फिर वो ये सोच ले, उसको फिर अंदर क्या होता है, उसका कोई कमल पिछले पुनों से, पिछले संस्कार से खुल जाता है अभ्यास से। तो वो उस चैनल में क्या होता है कि जैसे फिल्म शुरू हो जाती है, फिल्म एक मूवी शुरू हो जाएगी, उस चैनल पर जहाँ से प्रोग्राम आ रहा है वो सारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कहीं राजा की सवारी आ रही है, जैसे फिल्म चलती है, कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं फलदार वृक्ष नजर आ रहे हैं, कहीं फूलों की बहुत लंबे चौड़े बाड़ी है, बगीची है, तो वो सारा कुछ देखता रहता, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं अप्सराएं नाच रही हैं। तो मेडिटेशन करने वाले जो साधक होते थे तो यो मन वैसे ना टकने दे उनको, 10 मिनट भी ना बैठने दे, ये तो कई कई घंटे बैठे रहा करते, कई कई वर्षों तक बैठ जाते थे। अब अंदर यो बाहर की वस्तुओं से इस मन को अधिक अट्रैक्टिव चीजें अंदर दिखाई देने शुरू कर देती है, इसलिए ये फिर वहां धक्के खाता रहता, उस देखता रहता उस चैनल पर मूवी को, ना ये सिमरन करता, सिर्फ बैठ के हठ योग हो गया, इस तप बन गया, तप से राज प्राप्ति होती है, तप से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे फिर शुक्र सवानम। 2.5 घंटे सुबह बैठ कर ये के ढूंढेंगे भगवान को, ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें हैं, नीम हकीमों का ये तरीका है। तो ऐसे ये ऋषि लोग सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसे साधना किया करते, सभी करते थे। जैसे आपने महाभारत पढ़ा हो तो युद्ध के बाद श्री कृष्ण भी अपना ध्यान करता है, सिमरन करता है, अर्जुन भी बैठ जाता है, ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं। लेकिन सिमरन उस टाइम तो उनका युद्ध का वो था, कल क्या करना है, बेशक वो बैठ जाते थे, लेकिन वो जो समस्या थी उनकी, उन्हीं पर उनके विचार विमर्श आंतरिक होते थे। भाव ये है कहने का कि उनके पिछले इतिहास से हमें पता लगता है कि प्रत्येक प्राणी भक्ति करने की चेष्टा करता ही रहा है, और उस समय उनकी समाधियाँ भी लग जाती थी, जिस कारण से वो अपने क्रिया को अंतिम और सही मानते रहे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक स्पष्ट किया है कि अर्जुन कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है, कोई स्वाध्याय करता है, और कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, और कोई प्राणायाम करता है, कोई केवल योगासन ही करता है, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे
उसमें कही गई है सही विस्तार के साथ। परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोली है, वो साधना है सही, और वो है तत्व ज्ञान। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि फिर उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ करके उनसे प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, उनसे पूछो। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता इज नॉट कंप्लीट नॉलेज, श्रीमद् भगवद गीता में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। हाँ, गलत वो है जैसे इस काल ने कुछ युद्ध कराने के लिए अर्जुन से अटकलबाजी की है। अभी आपको बता के 5वें अध्याय में वो कहता है कि ऐसे आसन लगा ले, ऐसे बैठ जा, नाक के आगे ध्यान लगा। ये इसका अपना मत है, इस समय कहता है ये मेरा मत है और बाकी वेद ज्ञान है। अब जैसे इसने युद्ध कराने के लिए अर्जुन से कहा 2वें अध्याय के 37 और 38 श्लोक में कि अर्जुन लाभ हानि को छोड़ के और किसी जय पराजय की भी चिंता ना करके तो युद्ध कर ले। अब पहली तो बात समझ की है कि बिना बगैर लाभ हानि के कौन सिर फुड़वावे, और फिर तुरंत कहता है कि यदि तू युद्ध में जीत गया तो पूरी पृथ्वी का शासन प्राप्त होगा, राज भोगेगा, और यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जावेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, युद्ध कर ले। बता इसका कोई थ्योरी है? पहले मैं तो कह रहा है कि लाभ और हानि छोड़ कर युद्ध कर ले, हार जीत की भी चिंता ना करे, और तुरंत लाभ हानि बता रहा है कि यदि मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा और जीत गया तो पृथ्वी का शासन भोगेगा। बता आप पे लाभ हानि बता रहा है, फिर उनका लाभ हानि मत सोचे। तो ये इसकी अटकलबाजी जो इस तरह की बकवाद इस काल ने युद्ध कराने के लिए की है कि किसी तरह यू नाश हो, वो करवा दिया इसने। फिर सतगुरु संगत छोड़ के लाख वर्ष जप की नहीं, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। एक लड़की थी राबिया नाम की, मुसलमान धर्म में जन्म था और बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले संस्कार अच्छे थे। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाशी। पुणात्मा आप कोई आम आत्मा नहीं हो, आप कभी ना कभी परमेश्वर कबीर जी के चरणों में रहे हो। जैसे आज से 600 वर्ष पहले सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक यहाँ पृथ्वी पर रहे एज ए सतगुरु, सतगुरु रूप में रहे, और स्वयं परमात्मा भी थे यहीं से, इस पूरे ब्रह्मांडों का रिमोट उनके हाथ में था। तो उस समय उस परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे। वो कितने दयालु है पुण्यात्मा, वो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि तो काल ने बांध रखी है और हमारे को तो यहाँ के संसारिक ये झूठे सुख ही फाइनल नजर आ रहे थे अभी तक, जब तक ज्ञान नहीं था। अब वो दयालु 600 वर्ष पहले आया, इसलिए आया कि इन आत्माओं को एक बार रिचार्ज कर जाऊं, फिर इनको मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे जब तक बिचली पीढ़ी आएगी। ये कलयुग के प्रारंभ की बातें हैं, सन 1398 संवत 1455 ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा सतलोक से चल कर आए, अपने निज स्थान से, उस धूलोक से, तेजो में स्थान सतलोक से, और एक कमल के फूल पर बनारस के अंदर काशी शहर में, शहर के बाहर वन में एक नहर तारा सरोवर में खिले कमल के फूल पर आकर प्रकट हुए। वो प्रथम चरण था कलयुग का। अब ये बिचली पीढ़ ये मध्य का समय है कलयुग का, और कलयुग का लास्ट जो होगा उसके विषय में बताया कि उसमें सब कृतघड़ी प्राणी हो जाएंगे, कोई भी धर्म कर्म को नहीं मानेगा, शराबी कबाबी मांसाहारी, एज बहुत कम हो जाएगी, 20 वर्ष की उम्र मनुष्य की रह जाएगी एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग के लास्ट में।
और उसमें 5 खंड होंगी, जैसे 15 वर्ष की उम्र में सभी मर लिया करेंगे, युवा भी हो लेंगे, ब्याह भी करवा लेंगे, बच्चे भी उत्पन्न हो लेंगे और मर भी लेंगे, और उसमें 5 वर्ष की लड़की विवाह होते ही 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न होने लग जाएंगे कलयुग के लास्ट में, और बिल खोद के प्राणी रहा करेंगे, तो वो तो है एंड ऑफ द कलयुग। और अब है ये मध्य, और प्रथम पीढ़ी परमात्मा की जब मालिक आए थे वो थी, और अब है बिचली पीढ़ी। तो इस बिचली पीढ़ी तक आपको लाने के लिए कि ये मनुष्य इनमें आस्था भगवान की बनी रहे, चाहे ये कोई पत्थर पूजे हैं, चाहे ये किसी कृष्ण जी ने पूजे हैं, चाहे ये कोई और अपना बाबा श्याम जी के दोक में प्रसन्न है, लेकिन वो थे पूर्व के संस्कार, और हम सोच रहे थे कि इन देवताओं की पूजा से हमें सुख हो रहा है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। जैसे ये दास भगवान श्री कृष्ण का विशेष पुजारी था, भगवान विष्णु समझो, कृष्ण श्री राम, भगवान शंकर हनुमान जी का पुजारी, यानी जैसे सारी कौड़ी भर रहे थे, पहले साधली साधना कराया करते थे। बाबा श्याम जी हमारा इष्ट देव यानी कुल देवता, और वो भी पूजा, और ये थे तो पिछले संस्कारी बताएं कुल की हमारी, तो उसमें जैसे हम स्कूल में पास होते थे शिक्षा में, तो अपने सोचा करते भगवान कृष्ण ने दया कर दी, फिर बाबा श्याम जी याद आ गया, बाबा श्याम जी ने दया कर दी, बजरंग बली की मेर जय हो, उसने मैं पास करा दिया, फिर विवाह हुआ, नौकरी प्राप्त हुई, संतान हुई, तो इन्होंने सोचा करते इन भगवान ठाठ कर दिए, और इनकी पूजा करते थे, आस्था थी, और ज़्यादा आस्था बढ़ती चली गई, क्योंकि सुख होने लगे, ये हो रहे थे पूर्व के संस्कार, प्रारब्ध ही फल रहा था हमारा, और हम सोच रहे थे इनने मौज कर रखी है। तो ऐसे ही पहले ये सब होता रहा। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, और वो कहीं भी जा करके खड़े हो जाते थे, जैसे कोई मदारी तमाशा कराया करे, और खड़े हो जाते थे चौराहे पर या गली के बीच में गांव में, और वहाँ गाने लग जाते थे, अपना शब्द सुनाया करते थे, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बोर न लगता डर। परमात्मा ने ऊंची ऊंची आवाज में कहीं खड़े होकर बोलने लग जाते, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते, काफी झुंड बन जाता, और मालिक की आवाज तो लाउड स्पीकर से भी तेज थी, जहां जो बैठा उसको वहीं सुन रहा है और आराम से बोल रहे हैं, और लीला थी उस मालिक की, परमात्मा के आगे क्या है लाउड स्पीकर। तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में भक्त वहां जमा हो जाते, फिर प्रार्थना करते, हे भगत जी आज़ाद और डट जाओ हमारे गांव में। अच्छा भाई डट जाऊंगा, वो तो गए इस उद्देश्य से थे। फिर अगले दिन फिर परमात्मा शाम ने भी सुनाते, दिन में वो अपना धंधा कर रहे थे, शाम ने फिर करांगे भैया जी हो। ऐसे लाखों लोग हो गए थे भगवान के, एक दिन में सैकड़ों जगह प्रकट हो जाते हैं भगवान, जैसे आज तो ये टीवी हो गए, एक व्यक्ति बोलता करोड़ों टीवियों में जाकर वो सारा अपना ज्ञान दे सकता है, उस समय ये भी नहीं थे। और ये होते तो कबीर साहब ने बोलन कौन देता, जैसे इस दास के साथ हो रही। अब जिस पर भी हमारा ज्ञान चलता है ये नकली संत जब बंद करवा देते, बंद करो बंद करो, ये तो झूठ बोल रहा है, निंदा करता है, तो परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना लिया, उस टाइम चलना की जरूरत ना पड़ी। तो ऐसे और फिर उनको सुख हुआ नाम लेते ही, केवल प्रथम मंत्र देते थे भगवान उस समय, और बीच के ओनली ये 5 नाम जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते, ये थे वो 5 नाम जो राधा स्वामी वाले घाटा जोड़ रहे हैं, 5 नाम, वो 5 भी नाम वो भी कोई ना काल के 5 होते। अरे इनसे लाभ होगा आपको यहाँ का भी, और यहाँ से हम चलेंगे, जैसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए हैं, इनमें ये प्रधान बैठे हैं, इनके मालिक हैं ये, इनका अकाउंट क्लियर करके हम आगे जा सकते हैं त्रिकुटी पर। तो उस समय हमें ज्ञान आधार नहीं रहा, सुख गणे दिए परमात्मा ने, क्योंकि ये सुख सागर है प्रभु, इसकी शरण में आते ही किसी को प्रेतवादा थी, कोई देव क्रुष्ट था, या कोई शारीरिक कष्ट था, कोई सांसारिक बाधाएं थी, कोई कर्म ठीक नहीं हो रहे थे कार्य, वो सब ठीक होते चले गए। और ऐसे करिश्मे करे परमात्मा ने, उनके घरों में गरीब व्यक्ति थे, और शाम ने 10 रुपये धरके सोते तरके 100 पाते उनके घर पर, और वो आकर बताते तो गुरु जी की कृपा से ऐसी रजा होगी, कोई नो कहना तुम रख के भूल गए हो गया, आप थर भूल लाग रही है, नौ कदे हो आकर,
तो वो जिसके बीतता वो जाने कड़ब दरका बोलना समय था उस समय। तो अब भी ऐसी लीलाएं हो रही हैं। एक भक्त बता रहा था जी, मैं एक डेढ़ वर्ष से कोशिश कर रहा था पुस्तक पढ़ कर के चालू नाम लूं, पर पैसे का अभाव था। तो वो कह रहा था कि ऐसे करते करते मैं घना दुखी हो गया, भगवान परमात्मा का इतना अमृत ज्ञान और मैं पहुंच नहीं पा रहा, रोने लग गया। एक दिन कहता 100-200 रुपये बैंक में पड़े थे, वो निकलवान गया था, 6,000 रुपये बैंक में पाए, 6,000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा हुए पाए। लेकर छक्कर होया, ये परमात्मा या दया भी बख्श दी। अगले दिन ट्रेन पकड़ दी, बहुत दूर रहने वाला था बच्चा। तो ऐसी ऐसी लीलातियाँ लाखों करेगा परमात्मा आपके लिए, लेकिन आप किसी और को बताओगे उन्हों का झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि उनको पावर का कनेक्शन मिला नहीं। जो मैनुअली जो कार्य होता है पावर का काम, उससे अलग होता है। तो यह पावर का कार्य है, परमात्मा का कार्य है, ये जनसाधारण नहीं मान सकता इन बातों को। तो इस प्रकार परमात्मा ने वो 64 लाख शिष्य हो गए, सबको ये मंत्र दे दिया। फिर हम, क्योंकि ज्ञान हमें था नहीं, कोई भी बहकाले था, हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश दिया करते भगवान, और कहा करते भाई हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कैसो नरक में जाई, एक पिता की संतान हो तुम, ये काल ने तुम्हारे को यहाँ आपस में दुश्मन बना दिया, भिन्न भिन्न बना के। बुद्धिमान लोग थे, मानते भी थे, लेकिन भक्ति करने से जो उनको सुख हुआ नाम से, तो भले ही वो किसी मजहब में रह रहे थे, लेकिन भक्ति मालिक वाली करते रहे अंदर से। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है इस प्राणी के साथ कि इसको सुख गणा हो जाता है, क्योंकि मालिक सुखदाई है, ये दयालु परमात्मा है, इसकी जरा सी मेहर से इतना सुख हो जाता है, जीव बौंदल जाता है, विचलित हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे परमात्मा से दूर हो गए। कोई कह दे नहीं भाई भगवान तो भगवान है, ये कबीर भगवान नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, ये तो झूठ बोलता है। ठीक है, तुम्हें सुख हो गया होगा, छोटा मोटा कोई सिद्ध पिद होगा यू ऐसे। तो इस तरह उन्होंने, हमें ज्ञान ना होने से अपने मजहब के लोगों ने परमात्मा से हमें पुनः दूर कर दिया, लेकिन उस मालिक का उद्देश्य था वो पूरा हुआ। हम परमात्मा को ना पहचान कर भटक रहे हैं, नहीं तो इतना आसान है मोक्ष, इससे आसान वस्तु है कौन ही, और इससे आसान कोई काम नहीं। जैसे रोटी खाना बनाती है बहनें, बेटियां माताएं, और कितना जुगाड़ जोड़ती हैं, अब गिनती भी ना हो, इतने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं, परात है, कितना फिर तोवा चूल्हा लकड़ी तेल है, और फिर कटोरा, फिर चम्मच, फिर नमक मिर्च, इनरी आइटम इकट्ठी करके, और फिर आटा बनाना, फिर सब्जी काटना, छोंक लाना है, और इसी गर्मी हो चाहे सर्दी, उसमें वो चाहे वर्षा हो, अब तो कुछ एक कई गैस के चूल्हे चाले हो गए। नहीं, पहले तो लकड़ियाँ जलाया करते थे, अब भी जलाते हैं, 90% लोग लकड़ियों से ही अब खाना बनाते। तो गिल्ली हो जाए वर्षा के दिनों में, वो जल के देना, फू फू आँख लाल हो जाए, और फिर भी बना के छोड़ दें हम। और परमात्मा के भजन में कुछ भी तो ना, जीभ भी ना हलानी, अरे यो ना होता मारे थे, देखे खोटे लाग रहे, जीवा भी नहीं हलानी, बिना जीभ के सिमण दे दिया मालिक ने, सांस तो आवेगा तुम्हें, लेट के ले लो, बैठ के ले लो, चलते लो, वो सिमण करो। और ये प्रथम मंत्र है, इसका जाप भी मानसिक करो, मौखिक नहीं करना। तो मौखिक तो जैसे अलग बैठे हो अकेले कर लो, नहीं मानसिक करो इसको। तो इस तरह इसमें कुछ भी ठाके ना लेना, ना कोई जुगाड़ जोड़ना, अरे यू भी ना कर सकते, फिर महाराज जैसे नालायक नहीं, फिर हम किसे भगत हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये सबसे आसान है मोक्ष पाना। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं। तो ऐसे परमात्मा हमें चार्ज कर गए, और चार्ज करके चले गए, मालिक सह श्री राय थे, सह श्री चले गए, तो हम मालिक को नहीं पहचान सके, इसलिए उनसे भी मुख हो गए थे। परमेश्वर ने एक लीला की थी। अब परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए और सत्संग किया करते थे, वहाँ पर भक्त आते थे, बेटियाँ बहनें भी आती थी। तो जब हमें सुख हो जाता है तो हम अपने परमात्मा में भी दोष निकालना शुरू कर देते, ये मन की आदत है, मन चाहता है इसे दूर करूँ किसी प्रकार परमात्मा से। एक वैश्या थी गणिका, उस बेटी ने बहन ने रात्रि के समय सत्संग सुन लिया,
कोई दया हुई परमात्मा की, वह झांकी में बैठ गई अपने मकान में। रात का समय था, कहीं दूरी पर सत्संग हो रहा था, और रात्रि का जो साइलेंट पीरियड होता है, बिल्कुल शांत मौसम होता है वातावरण, दूर तो का आवाज़ जाती है और परमात्मा तो चाहे उसको सुना दे घर दूर बैठे। तो उस बेटी ने सारी रात सत्संग सुना कि मनुष्य जन्म परमात्मा पाने के लिए प्राप्त हुआ है, और इसकी भक्ति ना करके असंग जन्म कुत्ते बने, असंग जन्म गधे बने, वो सारी डिटेल मालिक ने सत्संग में सुनाई। तो उस बेटी का एकदम प्रेरणा होगी। पुण्यात्मा, सत्संग एक ऐसी वस्तु है, ये ऐसा तत्व है कि आत्मा को जोड़ कर धर देता है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो। तो उस बहन की नींद हराम होगी कि तेने तो जुल्म कर दिया, तेरे तो कोड लगेगा और बुरा हाल होगा, और शुभ काम कोई बना नहीं है भगवान, अब क्या बने। सारी रात बेचैनी में इधर उधर घूमती रही, जब सत्संग के हो लिया तो अगले दिन वो फिर मालिक ने दया करी, वहीं आसपास किसी दिन एक दो दिन के बाद वहीं सत्संग उसके हो गया आसपास। अब वो लड़की वहाँ पहुँची, परमात्मा से कहा कि हे गुरुवर, क्या मेरे जैसी पापन का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा बेटा, उसने कहा परमेश्वर ने पूछा कि आप क्या बात बेटी, या तो कोई भी मुझे निरअपराध व्यक्ति नज़र नहीं आता, सभी कोई ना कोई अवगुण करते ही रहते हैं, और सत्संग में उसी का समाधान होता है। उस लड़की ने कहा परमात्मा, मैं तो बहुत निकम्मी औरत हूँ, ऐसे ऐसे मैं गणका हूँ, वैसा हूँ, क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा बेटा, अब कितना ही मैला कपड़ा है उसका साफ करने का तरीका साबुन और जल है, सत्संग यही काम करता है, लेकिन बेटी पीछे बनी सो बनी, आगे मत करना। कान पकड़ दिया उस बेटी ने कि आज के बाद परमात्मा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं अपना मांग का भोजन खा लूँगी। फिर परमात्मा ने कहा बेटा, जो भी तेरा ठीक है संस्कार था, लेकिन इस संस्कार को चेंज कर देंगे हम, भक्ति करना। अब उस लड़की ने उपदेश ले लिया। अब पुणात्मा जिसका लागे सोतन जाने, उसने तो नहीं सोचा तुम मरगी कति बिरान माटी होगी तेरी, और उम्र भी 40-45 की आसपास हो चुकी है, और पुण्यात्माओं को ये काल जगह जगह अच्छी बुरी तरह फंसाता है। तो उसके लगन लगी, पिछला संस्कार प्रबल था बेटी का, जहाँ भी सत्संग हो लड़की वहीं पहुँच जा और निकट जा बैठे मालिक के मुँह की तरफ देखे और सत्संग सुने, गहराई से विचार करे। अब क्या होता है कि वहाँ संगत में जैसे कोई और बाहर के व्यक्ति कहन लगे, रहे तुम्हारे गुरुजी के पास तो वैश्या भी जान लगी, सुप्रसिद्ध वैश्या थी वहाँ उसकी काशी शहर की, तो कुछ एक ने तो अपनी बहन बेटियों को अपने जैसे पुत्रों को जाना बंद करवा दिया, और कुछ एक जो वहाँ जाते थे वो उस लड़की को धमकाने लग गए, तुम मत आया कर यहाँ पर, तेने गुरुजी की बेइज्जती करा दी है, सारे शहर में चर्चा हो रही है। अब वह रुके क्योंकि उसको तो मुश्किल तरह पाया बेचारी ने, और वहाँ से दूर होगी तो उसने हिसाब ला लिया तेरा तो नाश हो गया, नरक में भी ठिकाना नहीं है। तो अगले दिन परमात्मा के सामने रोने लगी, प्रभु आपकी बेटी है तो पापन, प्रदाता अपना आश्वासन दिया है कि पापी भी पार हो जाते हैं, इस आस में मैं आपके चरणों में लग रही हूँ, और मुझे यहाँ आने के लिए मना किया जा रहा है। परमात्मा ने कहा क्या बात सारी बता, कि ऐसे ऐसे कुछ भक्त कहते हैं, कुछ माई कहती हैं कि तू नीच है, यहाँ मत आया कर, गुरुजी की बेइज्जती करा दी। तब परमात्मा ने कहा बेटा तू खूब आया करे, और तुझे मना कर उसको मुझे बताना। फिर परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से उनको आगाह किया, भाई कुश्ती हो वे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजियो, यदि कोई भगत के कोड भी लाग रहा हो, चाहे कैंसर हो रही हो, लाल पड़ती हो, और वो भक्ति कर रहा है, नाम ले रखा है, उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको भी सत्साह बुलावे, प्यार से बोले
ये तो किसी का भी हो सका या बीमारी तो आपका भी हो सका जब बकवाद करोगे तो। लेकिन अब वो भक्ति कर रहा तो भक्त हो गया वो, और इससे उसको राहत भी मिलेगी। और जैसे कहते हो वैसा कह विश्वास चरण चित दीजिए, यदि किसी बहन बेटी गलती से किसी भी दुष्कर्म में फंसी हुई है और वो भी सच्ची लगन से भक्ति करती है, कहते उसको भी रिस्पेक्ट देना, बकवाद नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत से प्रमाण दिए कि इंसान अपने अवगुणों को नहीं देखता, दूसरों में दोष निकालता है। और ये खास बात होती है कि चोर को चोर दिखाई देते हैं और दुष्कर्मी को सभी दुष्कर्मी दिखाई देते हैं। जैसे एक चोर आकर के एक नेक व्यक्ति के घर पर रुक गया, राह चलता अतिथि बन के। अब उस नेक व्यक्ति ने उसको एक नेक अतिथि जाना, क्योंकि वो स्वयं नेक था। उसने उसको चोर नहीं माना, खाना खिलाया, बढ़िया वस्त्र दिए, सर्दियों के दिन थे, अपने घर में चौक में सोया जहाँ आप सो रहा था। अब धनी तो सो गया ठाट से, चोर उठा उसका धन निकाल कर रात को चंपत हुआ। अब वो चोर तो चोर था, लेकिन नेक आदमी को चोर दिखाई नहीं दिया। फिर एक नेक व्यक्ति उस चोर के घर पर डट गया, राह चलता। अब उसने रोक लिया, रुक गया। अब वो नेक व्यक्ति तो सामने सो गया उसके घर पर, और वो सारी रात जागता रहा, कदे यू चोरी कर ले जा रात ने, कदे चोरी कर ले जा रात ने, नो जागता रहा। क्योंकि वो दोष उसमें खुद विद्यमान था, उस नेक व्यक्ति में नहीं था, अतिथि में। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।